आज भी उसी बाप दादाओं की औलाद इस मेवात में बसती है। अगर ये सरकार सोचती है कि हम जो है गादड़ भपकियों से इस कौम को डरा देंगे, फार्मासिस्ट कौम को डरा देंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज भी हम मास कैजुअल लीव लेके दरी पर बैठे हैं। ये एक सरकार को आगाह किया जा रहा है कि हमने आज तक कभी एजिटेशन नहीं किया, सरकार के काम को नहीं रोका, इसलिए सरकार हमारी जायज मांग को जल्द से जल्द पूरी करे ताकि आम जन को कोई भी परेशानी ना हो। अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे इसी बीच में या तो मरेंगे या लेके उठेंगे। ये बात हालांकि भाई खूब बूढ़े हो लिए हैं, 7 महीने रह रहे हैं, अगर ये दरी 7 महीने भी बिछी रही तो भाई गौरी शंकर नहीं उठेगा। जबकि मेरा सारा फार्मेसिस्ट भाई स्टाफ जाना है, मेरी माँ को कोलेंजियोकार्सिनोमा, मैं नहीं आ पा रहा था और मैं भाइयों के साथ रहूंगा, जैसे सांझ उन्होंने फिर संभालन चला जाऊं मैं और सवेरे फिर आ लूं। इसके लिए भाई मैं आप लोगों का बहुत धन्यवादी हूं। पीछे भी हमारे कुछ अधिकारियों ने यहाँ पे मेरे ट्रेनिंग के भाई 70-80 के आसपास लगभग खड़े हुए थे, जिनको लगभग 15 दिन से चक्कर कटाया जा रहा था। आज आपके साथ दरी पाए हैं, अगर आपके साथ दरी पे ना बैठा ना तो नू समझ लो तारा ओड पास के डोल रहा। कोई खुदा ना करे कोई पुलिस को कोई वैस हो कोई भी दिक्कत हो जाए तो हम ही नहीं तमसे पहले डंडा लाठी हम खाएंगे। जैसे ट्रंप की सिक्योरिटी है ना अमेरिका वाले, अमेरिका के राष्ट्रपति सिक्योरिटी ना रहे, जैसे राष्ट्रपति हीन बैठो और चारों तरफ सिक्योरिटी ऐसे रहेगा कि दूर दूर तक रहे पुलिस वाले, कहे तो कोई घनी बिल्डिंग पे बंदूक लेकर बैठो, तो हमने तो मैं समझ लियो ने समे ने हम तहारे मारे चारों तरफ बैठे हैं, कोई भी दिक्कत आ गई सबसे पहले डंडा लाठी हम खाएंगे। तो मैं इनसे यही कहता हूँ भाई, आपका हक है 4600 पे ग्रेड का और सभी का हक है, सभी को अपना हक मांगने की आज़ादी है हमारे देश के अंदर, और ऐसी बात भी नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका 4600 का बढ़ता भी है, सरकार को देना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि आपको सिर्फ एकजुट होकर बैठे रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है। सरकार को इस दरी पे बैठने ही अच्छा नहीं लगता, अगर आप इस दरी पे बैठे रहोगे तो सरकार अपने आप ही मार लेगी आपके मुँह में। तो मैं NHM की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके